अस्सलाम वालेकुम, आई एम इमशा सुलेमान फ्रॉम बीएस केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ रेसिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज रेस। रेस इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्टिफैक्ट दैट कैटराइजेस पीपल बेस्ड ऑन विजुअल डिफरेंसेस विच आर इंप्यूटेड टू इंडिकेट इनविजिबल डिफरेंसेज। दिस कैटराइजेशन आर इन्फ्लुएंस एंड फ्लूइड ओवर टाइम विच रिफ्लेक्ट द सोशल रैदर दैन फिजिकल बेसिस। इट्स सिग्निफिकेंस राइजेस आउट ऑफ द मीनिंग्स वी हैज सोसाइटीज असाइन टू इट एंड द वे स्ट्रक्चर रेस इन अवर सोसाइटीज। दिस स्ट्रक्चरिंग शेप वट वी रेफर टू एज इंस्टीट्यूशन रेसिज्म। द आइडिया दैट रेस हैज अ बायोलॉजिकल बेसिस एंड ओल्ड आइडिया दैट स्टिल हैज नॉट डिसअपीयर्ड एंटायरली एंड कंटिन्यूज टू बी डिबेटेड इन academia and discussion of the biology of race however needs to be contextualized within the history of racism as an institution in this country and any awareness of how our interruptions of race are themselves reflection of our ideologies and our history. race ka matlab hota hai नस्ल, जो चीज़ें हमारी नस्ल में होती हैं, हमारा कलर, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, जो हमारी नस्ल ब नस्ल आगे चलती रहती हैं, जिसको हम रेस कहते हैं। और रेसिज्म जो है वो रेस पे डिपेंड करती है, बेस्ड करती है। और ये चीज़ें कोई मतलब ये कैटराइजेशन इन्फोरस होती हैं, बेतरतीबी होती हैं, और ये टाइम के साथ चलती रहती हैं, नस्ल ब नस्ल चल रही हैं। हमारे माँ बाप में थी, अब हम में आगे, फिर हमारे आगे, क्योंकि इनका कोई नहीं है और ये कोई पुराने वक्तों की नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही हैं और आगे चलती जा रही हैं। ये नस्ल ब नस्ल चलती जा रही हैं, हमारी नस्ल में पाई जाती हैं। हमारी कास्ट, हमारा कलर जो है आगे, जिस तरह हमारे माँ बाप का है वही हमारा, फिर आगे हमारे जो जनरेशन होगी उसका होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, कोई ओल्ड आइडिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन एथेनिसिटी। एथेनिसिटी इज अ ब्रॉडर टर्म देन रेस। द टर्म इज यूज टू कैटेगराइज ग्रुप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशंस। कॉमनैलिटीज सच एज रेशियल, नेशनल, ट्राइबल, रिलीजियस और कल्चरल रीजन में बी यूज टू डिस्क्राइब समवन एथेनिसिटी। व्हाइल समवन मे बी से देयर रेस इज ब्लैक, देयर एथेनिसिटी मे बी इटालियन, और समवन मे से देयर रेस इज व्हाइट एंड देयर एथेनिसिटी इज आयरिश। एथेनिसिटी हम ब्रॉडर टर्म है द रेस से, और ये क्या डिफाइन करती है, किसी भी नस्ल की कल्चर, उसके कल्चर एक्सप्रेशन को, आइडेंटिफिकेशन को। उसका कल्चर क्या हो सकता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अगर किसी की नस्ल ब्लैक है तो वो मे बी इटालियन, उसकी जो एथेनिसिटी है, उसका कल्चर है, वो वहाँ से हमें लगेगा कि वो इटालियन है। और अगर किसी की वाइट है रेस तो वो इरिश है। नेक्स्ट वी मूव ऑन रेसिज्म, आवर मेन टॉपिक। रेसिज्म कैन बी डिफाइंड सिंपली हैज एन पॉलिसी, बिलीफ, एटीट्यूड, एक्शन, इन एक्शन विच सबॉर्डिनेट्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रेस। मोर कॉमनली रेसिज्म इन्वॉल्व्स द सबॉर्डिनेशन ऑफ पीपल ऑफ कलर बाय वाइट पीपल। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ वाइट पीपल होल्डिंग एंड यूजिंग पावर प्रिविलेज आवर पीपल ऑफ कलर टू सबॉर्डिनेट देम, नॉट द रूअर्स। रेसिज्म टेक्स मैनी फॉर्म्स एंड कैन हैपन इन मैनी प्लेसेज। इट इंक्लूड्स प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और हेटेड डायरेक्टली एट समवन बिकॉज ऑफ देयर कलर, एथनिसिटी और नेशनल रिलीजन। पीपल ऑफन एसोसिएट रेसिज्म विद एक्ट्स ऑफ अब्यूज और हैरेसमेंट। हाउएवर, इट डज नॉट नीड टू इन्वॉल्व वायलेंट और इंटिमिडेटिंग बिहेवियर। टेक रेशियल नेम कॉलिंग एंड जॉक्स और कंसिडर सिचुएशन में पीपल मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रुप्स और एक्टिविटी बिकॉज ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। रेसिज्म कैन बी revealed through people's actions as well as their attitudes. It can also be reflected in systems and institutions, but sometimes it may not reveal at all. Not all racism is obvious. For example, someone may look through a list of job applicants and decided not to interview people with certain surname because racism is an ideology entwined within the cultural ideology of this society at some level. Everyone who is a cultural member shares many steps of the ideology of race that belief system plays out in our day-to-day interaction, which is whether we are blatantly racist or not. The system of race set up certain hostilities and conflicts that are played out in our lives. What is racism? Racism, hum nasal prasti ko kehte hain, jo humari race pe, humari nasal pe, ethnicity, humare culture pe based karta hai. Aur isme wo bata rahe hain ki hum पीपल, लोगों को हम किससे जज करते हैं, उनके वाइट कलर से, ठीक है। और वाइट कलर जो है, उन्होंने वाइट कलर के जो पीपल हैं, उन्होंने जो पावर संभाली थी, उनका बहुत लंबा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हमें जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है वो वाइट कलर है। हम वाइट कलर वाले को सुपीरियर समझते हैं और ब्लैक कलर वाले को हम इन्फीरियर समझते हैं। नस्ल में क्या होती है, आपका कलर होता है, ठीक है, आपकी कास्ट होती है, रिलीजन होता है, और वो नस्ल ब नस्ल फिर आगे चलती रहती है, ठीक है। पहले हमारे माँ बाप में थी, फिर उनके माँ बाप में, फिर अब हम में आई, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। तो यही रेसिज्म जो है वो ये है कि हम यहाँ पे लोगों को जज किससे करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन से नहीं करते, और यहाँ पे वो किससे कर रहे हैं, हम उनको उनके कलर से जज कर रहे हैं। और ये वही सोसाइटीज़ में चल रही है, और ये शुरू से चलती आ रही है, और ये रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, चलती जा रही है, ना कि ये कम हो रही है ना ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसे सोसाइटीज़ जो है इसको असाइन कर रही हैं और वही इसको रन कर रही हैं। और ये
एक तरह से जवाल की तरफ भी हमें लेकर जा रही है। ठीक है, हम गोरे कलर वाले इंसान बंदे को हम समझते हैं कि वो बंदा है, बाकी काले वाला जो है, बाकी दूसरे कलर्स वाले हम समझते हैं कि वो बंदा ही नहीं है। ठीक है, उसकी ना कोई बात की वैल्यू होती है, ना उसकी वैल्यू होती है, बस दूर दूर भागना चाहते रेसिज्म। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये थिनेसिटी और रेस पिस्ता मैंने पहले बताया कि उस पर बेस करती है, इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पे लोग इसके जोक्स बनाते हैं। ठीक है, कास्ट की वजह से एक दूसरे को हैरेस किया जाता है, नेम छेड़े जाते हैं। ठीक है, हर जाहिर सी बात है, आप एक वाइट पर्सन हैं, आप वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हैं और ब्लैक वाले को आप पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि इन्फीरियर समझते हैं, तो उसका वो भी तो हर्ट होता है ना कि भी ये चीज़ें उसके साथ कोई जेनेटिक नहीं है, मतलब कि शुरू से नहीं है कि आपसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम किसी रिलीजन की बात नहीं करें, लेकिन वो चीज़ें हम उस चीज़ की बात करें जो हमारे नस्ल में है और हमारी नस्ल ब नस्ल चल रही है, सोसाइटी इसको साइन कर रही है, वो जिस तरह कह रही है उस तरह ये चीज़ें आगे लेकर हम इनको चल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी मूव ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ बेनिफिट फॉर द ग्रुप विद पावर। इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेसेस कैरी मल्टीपल जनरेशन इफेक्ट्स एंड आर समटाइम्स कॉल्ड पास्ट इन प्रेजेंट। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक रेसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म दैट इज एम्बेडेड एज नॉर्मल प्रैक्टिस विद सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन लीड टू सच इश्यूज सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन क्रिमिनल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल पावर एंड एजुकेशन अमंग अदर इशूज। इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म क्या है, उन्होंने कहा वो रेसिज्म की एक टाइप है, उसको हम सिस्टमैटिक रेसिज्म कहते हैं। वो सिस्टमैटिकली चल रही है, किस चीज़ों में सिस्टमैटिकली कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है, डिफरेंसिस क्रिएट कर रही है। कहाँ पर कर रही है, क्रिमिनल जस्टिस में, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, हाउसिंग में, रहने सहने में, हेल्थ केयर में, पॉलिटिकल पावर में, एजुकेशन में, हर चीज़ में रेसिज्म चल रही है, हर चीज़ में, हर कंट्री में चल रही है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, ये एवरीथिंग हर जगह चल रही है, हर जगह चल रही है और ये सिस्टमेटिकली वर्क कर रही है, डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। और हम सिंपल जो चीज़ है आज के टॉपिक में वो ये है कि हम लोगों को उनके कलर से जज कर रहे हैं, ना कि उनकी एजुकेशन से, ना उनकी रिचनेस से। हम नस्ल ब नस्ल चीज़ें चलती आ रही हैं और हम सोसाइटी से इसको साइन कर रही है, यही चला रही है, और हम लोगों को उनके कलर से जज कर रहे हैं। दैट इज़ द ऑल माई टॉपिक। और जो कि ये चीज़ें वैसे अब हम कहें कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम खुद भी इसका हिस्सा हैं, हम खुद भी रेसिज्म है, रैकिस्ट हैं, हम खुद भी यही सब कर रहे हैं क्योंकि हम एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो वाइट। अगर दो पर्सन हमारे सामने खड़े हैं, ठीक है, एक वाइट कलर वाला, एक ब्लैक कलर वाला, हमें कौन अट्रैक्ट करेगा, वाइट कलर वाला, जाहिर सी बात है। ये खुद भी है कि हम ब्लैक कलर को देखकर थोड़ा सा अजीब सा हमें हो जाता है, डर सा, अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें वो चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है ना, हम उसी की तरफ जाते हैं, उसी को, दूसरे को तो हम देखते ही नहीं। तो इस तरह वाइट कलर वाला इंफीरियर हो गया और ब्लैक कलर वाला सुपीरियर, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ द ब्यूटी जो है वो वाइट कलर है। तो यही इसमें इन्होंने बताया गया है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं और दैट्स ऑल माई टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।